एक आइज वॉच आप कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका मेरे चैनल पे तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बोट एयर डॉप्स सिक्स तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले अगर बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपू वन फिफ्टी एच प्लेबैक विथ केस अप टू 5.5 पॉइंट आवर्स प्लेबैक पर चार्ज और यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हैं जैसे कि आई पी एक्स सेवन वाटर डिजिटल केस बैटरी इंडिकेटर ब्लूटूथ फाइव स्मूथ टच कंट्रोल्स पावर बैक फंक्शन ये हमें देखना होगा कि पावर बैक फंक्शन कैसा रहता है कैसा आ, काम करता है इमरसिव साउंड टाइप से इंटरफेस एंड आई डब्ल्यू पी पेयरिंग टेक्नोलॉजी जो है इंस्टेंट वेक पेयर तो चलिए अब हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ फीचर्स और आपको देखने को मिलते हैं जैसे वन टच वॉइस असिस्टेंट हे सीरी एन ओके गूगल बोलने पे या टच करने पे एक बटन पे ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो अभी चलिए इसको ओपन ओपन करते हैं इस बॉक्स को तो ओपन करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे केस और इसके अंदर शायद ईयर पॉड्स होंगे सीधे हाँ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी नाइनटी चार्ज दिखा रहा है ऑलमोस्ट फुल है बैटरी और दोनों शायद वेक एंड पेयर मोड पर पे चले गए हैं तो अभी हम इसको बंद करके साइड में रखते हैं यहाँ पे अंदर कुछ मी बिफोर यूज लिखा हुआ है यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टिकर मिलता है आई एम अ बोट हेड अब इसको साइड में रखते हैं यहाँ पे कुछ पेपर वर्क काफी सारा पेपर वर्क है एक्चुअली दोस्तों ये सब मिलता है आपको बॉक्स में केस प्लस एयरपोड्स यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि अभी इसकी बैटरी 99 दिखा रहा था ये और अभी अचानक से 94 दिखा रहा है तो इस पे हम बाद में बात करेंगे यहाँ पे आपको कुछ पेपर वर्क मिलता है एफ ए क्यू कार्ड रीडमी बिफोर दिस प्रोडक्ट कम्स विद वन ईयर वारंटी यहाँ पे यह वारंटी कार्ड है फ्रॉम द मैनुफैक्चर एक साल की वारंटी आती है तो आपको इस नंबर पे मैं कॉल देनी होती है अपने प्रोडक्ट की वारंटी को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे बोट के प्रोडक्ट कैटलॉग है ये बोट के जितने भी मॉडल्स आते हैं या जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं साथ ही साथ ये प्रॉपर मैनुअल है जो एयर डॉप सिक्स ट्वेंटी वन रिलेटेड है तो इसमें बताया गया कि एल इंडिकेटर्स क्या क्या हैं बाकी चार्जिंग द केस चेंजिंग द ईयरबड्स तो ये मैनुअल पढ़ लीजिएगा तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपको ईयर टिप्स मिलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको तीनों तरह के एयर टिप्स मिलते हैं साथ ही साथ ये भी आपको एक सेट एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पे एक स्टिकर भी मिलता है हम ए बोट हेड अगर आप लगाना चाहते हैं तो अगर अब हम इसकी चार्जिंग केबल की बात करें तो ये फ्लैट केबल है जिसमें टाइप सी जो टाइप सी इंटरफेस है वो है और यहाँ पे नॉर्मल यू इंटरफेस है तो अगर बेटर होता अगर यहाँ पे भी ये यू एस सी होता बट चलिए तो यहाँ पे अब अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस को जो है मैट फिनिश में दिया गया है यहाँ पे ये यह डिजिटल डिस्प्ले है जो आपको बैटरी का परसेंटेज हमेशा बताती रहेगी और साथ ही साथ यहाँ पे ये यह आपको चार्जिंग के लिए दिया गया और साथ में ये शायद से पावर बैंक फंक्शन है तो अभी हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे चार्ज करता है ये और किस चीज़ को चार्ज कर सकता है तो साथ ही साथ अगर अब मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो पूरा प्रॉपर प्लास्टिक है मैट फिनिश में दिया गया है ये ब्लैक वाला जो एजेस हैं ये आपकी ग्लॉसी फिनिश में है तो मैट फिनिश में है तो अच्छा है इस पर फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं दिखेंगे आपको ये आप बंद करने पर एक थर्ड सुन सकते हैं तो बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी लग रही है इसकी अगर मैं इन ईयर पॉड्स को अंदर से निकालू इन ईयर टिप्स को या इयरबड्स को अंदर से निकालूँ और लगाऊं तो आप ये मैग्नेट की आवाज़ भी सुन सकते हैं तो ये जो इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी आई थिंक ये एंड्रॉड फोन के साथ काम करेगी और शायद आई के साथ काम नहीं करेगी जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा है अपने पुराने जो जो भी पुराने एयरबड्स हमने रिव्यू किया है उसमें तो दोस्तों इसके बैटरी परसेंटेज जो है बहुत जल्दी गिर रही है अभी तक ये नाइन्टी फोर परसेंट सॉ वीडियो को रिकॉर्ड करते करते विद इन टू मिनट्स से नाइन्टी हो गया है तो ये एक लाइक देखने वाली चीज़ है कि लॉन्ग रन में कैसा परफॉर्म करते हैं और क्या ये कोई ख़राबी है जिसके लिए हमें ये चेंज करना पड़ेगा चलिए दोस्तों अब इसको पेयर करते हैं और फिर रिकॉर्डिंग करते हैं शुरू तो चलिए दोस्तों अब करते हैं हम इनको पेयर अपने आईफोन के साथ तो ओपन करते ये जो इंस्टेंट वेकेंट पेयर मोड में चले जाएंगे और इसी के साथ साथ डिटेक्ट -टे हो गए हैं दोनों एयरबर्ड्स जो है आपस में पेयर्ड हैं और डिटेक्ट हो गए हैं तो अभी जस्ट कनेक्शन का वेट करते हैं हम लोग तो डिटेक्शन जो है काफ़ी फास्ट हुआ यहाँ पे आईफोन में और कनेक्शन भी काफ़ी बेटर था पुराने जो भी ईयरबड्स होते थे उनके कंपैरिजन में तो दोस्तों अब अगर हम बात करें इस केस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो ये हर जगह से यूनिफॉर्मली बिल्ड दिख रही है इसकी कहीं पे भी कोई अन गैप्स नहीं है तो मतलब केस की क्वालिटी इज गुड पूरा मैट फिनिश में दिया गया एक्सेप्ट दिस ब्लैक तो यहाँ पर कोई फिंगर आने का डर भी नहीं है आपको बट हाँ स्क्रैचेज इस पर आएंगे तो आपको इसको संभाल के रखना होगा और ये केस जो है काफ़ी बड़ा है लाइक बहुत ही बड़ा है अपने पॉकेट में फिट होने के लिए तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक आईफोन ट्वेल्व के साथ तो ये जो है ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 30 से 35 परसेंट है एक फ़ोन का एक आई का तो दोस्तों अब अगर हम बात करें इन ईयर बर्ड्स की गेमिंग के परफॉर्मेंस के बारे में तो मैंने इनके साथ जो है बी गेम खेला जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे तो मतलब मुझे कहीं पे भी ये महसूस नहीं हुआ कि लैग है इनकी गेमिंग में बट हाँ मतलब मैं इनकी साउंड क्वालिटी से उतना इम्प्रेस नहीं हूँ अभी तक भी तो और थोड़ा यूज़ करेंगे एंड मे बी विल गेट यूज टू द साउंड बट हाँ गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई लैग नहीं है गेमिंग एकदम बढ़िया चल रहा था तो दोस्तों अब अगर मैं बात करूँ इनकी फ़िट के बारे में जो तो आपके ईयर में फिट होंगे तो आपको अपने ईयर के हिसाब से सिलिकॉन टिप जो है चेंज करनी पड़ सकती है बट ये इनकी फिट जो है बहुत ही अच्छी है और ये निकलते नहीं हैं गिरते नहीं हैं आपके कान से हिलाने पे भी और क्योंकि ये आई पी एक्स सेवन रजिस्टेंट हैं तो आप इनको स्विमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ आप जिम में तो यूज़ कर ही सकते हैं क्योंकि ये स्वेट रेजिस्टेंट है तो दोस्तों अब अगर हम बात करें इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में तो मतलब मैं कहूंगा कि इसकी ओके okay साउंड है फॉर द प्राइस पॉइंट कोई खास साउंड नहीं है कोई हाइयर वॉल्यूम्स पे बेस सुनाई देगा बेस अच्छा फील होगा ट्रेबल अच्छा फील होगा बट लो वॉल्यूम्स पे कुछ भी नहीं है तो अगर आप 30, 40 वॉल्यूम पे गाने सुनते हैं तो इसमें आपको सिर्फ वोकल सुनाई देंगे वो भी आपको चुभेंगे और कोई खास बेस आपको सुनाई नहीं देगा बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा आपको महसूस होगा ही नहीं लो वॉल्यूम्स पे बट हाँ हाई वॉल्यूम्स पे जो है काफ़ी सही बेस है तो दोस्तों तो तो जिस प्राइस पॉइंट पे आते हैं जिन ईयरबड्स के साथ कंपीट करते हैं उनके हिसाब से उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं बेस के बेस और ट्रेबल में और वोकल थोड़ा सा शार्प है इनका मतलब आपको लिरिक्स जो है किसी किसी गाने के हो सकता है आपको ऐसा लगे कि चुभ रहे हैं कान में तो आपको वॉइस उस हिसाब से थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ सकती है बट हां दोस्तों क्योंकि टच कंट्रोल है तो अगर आपने ऐसे निकाल के रखे हुए हैं और आपने यहाँ पे टच किया या गलती से टच हो गया तो ये आपके फोन में ब्लूटूथ के थ्रू उसके वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर देंगे या हो सकता है गाने भी प्ले कर दें तो मेरे साथ बहुत बार हुआ टेस्टिंग में कि मैंने इनको निकाला और ऐसे रखे हुए हैं तो मेरे फोन में जो है गाने चलने शुरू हो गए और इनके थ्रू मैं गाने सुन पा रहा था हाई वॉल्यूम पे बाहर आवाज आती है मैं माइक किसके पास में रखता हूँ जैसा कि मैं बात कर रहा था कि अगर मैं इनको बाहर निकालता हूं देखिए इन्होंने प्ले करना शुरू कर दिया और ये मेरे कान में भी नहीं आती तो ये टच कंट्रोल भी यहाँ पे जो तो है काम नहीं कर रहा है वैसे तो ये मैंने वापिस ज़्यादा तो ये बंद हो जाते हैं तो दोस्तों ये एक प्रॉब्लम आपको इसके इन ईयरबड्स के साथ आ सकती है कि जैसे ही आप बाहर निकालते हैं केस में ये अपने आप प्ले करना शुरू कर देते हैं अगर आपके फ़ोन में ये का कनेक्ट हुआ थे और लास्ट ऐप जो है म्यूज़िक ऐप चल रही थी तो ये एक प्रॉब्लम है इन ईयरबड्स के साथ और बहुत बार ऐसा हुआ कि ये कनेक्टेड थे मैंने कैमरा चलाया मैंने इनको हाथ तो मतलब लिया हाथ में थोड़ थोड़ा थोड़ा बहुत जो इनका वो गलती से जो टच बटन एक्टिवेट हो गया है मेरे से प्रेस हो गया तो इन्होंने जो है सी को एक्टिवेट कर दिया बट क्योंकि ये मेरे कान में नहीं थे तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे वो डिटेक्शन नहीं है कि जब आप इनको कान में लगाते हैं तो तभी ये प्ले शुरू करें या फिर कुछ बट जैसे ये केस से आते हैं अगर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो आईफोन या किसी भी फ़ोन पर ऑपरेशन कर देते हैं दोस्तों ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है इन ईयर बर्ड्स के थ्रू तो या वॉइस आपको ईयरबड्स के थ्रू आ रही होगी और अभी मेरे को एडिटिंग के टाइम पर पता लगेगा कि इसमें कैसी वॉइस आ रही है हालांकि मैं इसकी साउंड क्वालिटी से उतना इंप्रेस नहीं हूं तो मुझे कुछ खास नहीं लगे हैं ये एयरबड्स इनकी साउंड क्वालिटी ओके ओके है नॉट ग्रेट दोस्तों अब अगर कंक्लूजन की तरफ हम जाएं तो ये चौबीस सौ के प्राइस पॉइंट पे काफ़ी सही ईयरबड्स मैं बोलूँगा अगर आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इधर उधर छोड़ दें इनकी तो काफ़ी अच्छे ईयरबड्स हैं काफ़ी सही काम करते हैं बेस ठीक है बट हाई वॉल्यूम्स पे ही वो बेस है और मतलब लो वॉल्यूम पे या 50 परसेंट से नीचे आपको बेस महसूस नहीं होगा तो मेरे हिसाब से ये ईयरबड्स जो हैं ठीक हैं नॉट सो ग्रेट बट हाँ अपना काम कर देते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस इनकी अच्छी है कोई लैग नहीं है गेमिंग में उसी के साथ साथ जो है उनका बेस अच्छा है अगर वैसे भी अगर आप हाई वॉल्यूम पे गाने सुनते हैं या पंजाबी गाने सुनते हैं तो आपको शौक हो सकता है कि आप 50% परसेंट से ऊपर ही जनरली सुनते होंगे उस पर यह काफ़ी सही बेस देते हैं आपको तो क्योंकि यूएस बी सी इंटरफेस के साथ आते हैं तो आप नॉर्मली कोई और केबल अगर आपके पास है घर में तो आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल केबल्स आपको रखने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है यहाँ पे ये तो दोस्तों मैं सिर्फ इनको पावर बैंक फंक्शन के लिए टेस्ट नहीं कर पाया आई थिंक वो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेट के साथ तो देखते हैं इसको रिप्लेस करेंगे या फिर बोर्ड से बात करेंगे मतलब सपोर्ट में उनके सपोर्ट से बात करेंगे और देखते हैं कि क्या रहता है कैसे काम करता है पावर बैंक और फिर उस पर एक और अलग से नई वीडियो बनाएंगे तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को